अगली खबर की तरफ। आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आगाज होने जा रहा है। यह जानकारी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी व बीजेपी प्रदेश सचिव सुमित शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इस दो दिवसीय बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल अध्यक्षता करेंगे। वहीं इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारी व लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों के साथ साथ बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ चुके तमाम कार्यकर्ता विशेष रूप से भाग लेंगे। ऐसे में बैठक में पार्टी विधानसभा उपचुनाव में मिली हार की समीक्षा करेगी तथा जो कमियां रह गई थी उन्हें दूर करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी करेगी। वहीं पार्टी के भविष्य की रणनीति पर भी मंथन होगा। इस बैठक में केंद्रीय आवास शहरी विकास व ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को आवश्यक टिप्स दे। ऊना से पंकज कतना की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रांत की दो दिवसीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन यहाँ आज ऊना जिला के मुख्यालय में दोपहर बाद प्रारंभ होगा। बैठक की अध्यक्षता प्रांत के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी करेंगे और इस बैठक में विशेष रूप से पार्टी के प्रदेश के संगठन प्रभारी आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी, उत्तर क्षेत्र के संगठन प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सोलान सिंह जी, संगठन के सह प्रभारी आदरणीय संजय टंडन जी, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी और संगठन महामंत्री और पार्टी के सभी वर्तमान सांसद, लोकसभा राज्यसभा पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, ये सब लोग इस बैठक में और अन्य प्रदेश के पदाधिकारीगण, कोर ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य सब लोग आज बैठेंगे। आज प्रदेश पदाधिकारी की बैठक होगी, उसमें आने वाले 3 महीने के अंदर हमें संगठन के कौन कौन से काम कार्य योजना को पर चर्चा होगी और कल विस्तृत रूप से उसकी चर्चा जो है प्रांत कार्यकारिणी के जो लगभग 1000 के करीब कार्यकर्ता प्रतिनिधि आ रहे हैं उनमें